नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में डिटेल में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे जो CBSE जो अपनी नोटिफिकेशन जारी करती है सीटेट की, वहां पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो किस प्रकार से डिफरेंट है, और जब हम स्टेट में आते हैं तो कैसे हर एक स्टेट वाइज वो चीजें बदल जाती हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे कुछ राज्य जो होते हैं वो सामान्य वर्ग के यानी कि जनरल कैंडिडेट को भी 55% पर सीटेट वैलिड मानते हैं, यानी कि 82 मार्क्स पर आपका सीटेट वैलिड मानते हैं। लेकिन उस वीडियो में कुछ लोगों ने इस प्रकार के कमेंट किए हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ गलत है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा विद प्रूफ, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हाँ देखिए ये चीजें हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स की मैंने जब बात की थी, तो मैंने जो आपको बताया था कि जो CBSE जो नोटिफिकेशन जारी करती है सीटेट का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि वहां पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिर्फ इतना लिखा है 60%, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, 60% उसको लेकर आना हो। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी। साथ के साथ ये भी बताया था कि उस नोटिफिकेशन में कुछ क्लॉज भी दे रखे हैं, जिसमें से कि एक क्लॉज ये कह रखा है कि जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट होती है वो या जो लोकल बॉडीज हैं वो तय करेंगी कि भाई आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना है, ठीक है, और कितना देना है। ये छोड़ दिया गया है पूरी तरीके से गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज पर। अब क्योंकि शुरुआत में ट्रेंड चलाता था, जब शुरुआत में सीटेट होता था तो उसमें ट्रेंड ये बना था कि भाई जनरल जो कैंडिडेट होते थे उनको 60% पे वैलिड माना जाता था, बाकी SC ST OBC इनको 55% पे वैलिड माना जाता था। ये पहले एक सीटेट में ट्रेंड यही था, लेकिन अब सीटेट अपने आप को सेव करने के लिए इतना कहता है कि भाई 60% आप ले आओ, किसी भी कैटेगरी के हो, आपका सीटेट क्लियर है, बाकी चीजें स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज पर छोड़ दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दी गई हैं कि भाई अब वो आपको कितना रिजर्वेशन बेनिफिट देना चाहते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी अगर आपको ध्यान हो, बीपीएससी जो है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि बिहार में होने वाली रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराती है। तो बिहार में जो टीचिंग एग्जाम्स बहुत सारे हो चुके और अभी हो भी रहे हैं, जैसे कि TRE 1 आपने सुना होगा, TRE 1, इसी प्रकार से TRE 2 और TRE 3 जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। TRE 3 जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां से पढ़ लीजिएगा। उस नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर लिख रखी है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए, यानी कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए, और अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, कुछ भी हैं, आपको 55% पर सीटेट वैलिड माना जाएगा। ये बात मैंने बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि दूसरे स्टेट का अगर कोई बंदा आता है SC ST OBC, वो यहाँ रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं लेता, उसका फिर 60% पे सीटेट क्लियर माना जाता है। मैंने एक बात और बताई थी जनरल कैंडिडेट्स को लेकर के, लेकिन ध्यान रहे मैंने सिर्फ जनरल नहीं, मैंने कहा था कि जनरल कौन, फीमेल, बिहार की जो जनरल है फीमेल कैटेगरी में, ध्यान रहे फीमेल में, उनको 55% पे दिया जाता है रिजर्वेशन बेनिफिट। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप जनरल हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ दो कंडीशन और फुलफिल करते हैं कि जनरल होने के साथ साथ आप बिहार के निवासी हैं, और उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो सीट है वो 55% पर ही वैलिड मान लिया जाता है। ये बात मैंने आपको उस वीडियो में समझाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि नहीं ये इंफॉर्मेशन गलत है। तो इसके लिए मैंने उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप उसको डाउनलोड करिए, नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िए और खुद से समझिए कि जो मैं आपको बताता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर वो इतनी सीधी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बात शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ कि आप इन चक्करों में मत पड़िए,
आप क्या करिए, आप अपना 90 प्लस स्कोर कर लीजिए, 91-92 ले आइए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, खामखा की झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा टेंशन बनी रहती है कि भाई मैं यहाँ एलिजिबल हूँ या वहाँ एलिजिबल हूँ, कौन सा, कहीं मैं उस स्टेट में जाके एग्जाम दे दूँ, एग्जाम क्लियर हो जाए फिर सीटेट की वजह से रुक ना जाऊं, इस तरह के तमाम सवाल आपके दिमाग में रहते हैं। तो इन सब चीजों से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप 91-92 स्कोर कर लीजिए, आप इन सब चीजों से बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से कई बार चीजें गलत हो जाती हमारे साथ। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप जनरल हैं और आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के जनरल फीमेल, ओनली फीमेल नॉट मेल, ओनली फीमेल, बिहार की रहने वाली जनरल फीमेल्स को सीटेट 55% पर वैलिड माना जाता है, यानी कि अगर आपके 82 मार्क्स हैं तो आपका सीटेट वैलिड है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।